कैसे आप सभी, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं ना जग गई हूँ, तो अब जा रही हूँ किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बहुत सारा काम करना है। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, सबसे पहले किचन में मतलब मुझे साग, चौरैया का साग काटना है, आटा मारना है, और फिर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, क्योंकि आज है संडे, तो आज किसी को जाना तो है नहीं, तो मैं आराम से सारे काम कर लूँगी ना। तो यहाँ पे आटा मैंने मार लिया है, और ये है चौरैया। चौरैया का आज हमें बनाना है साग, तो इसको मैंने कट करके रख लिया है, लहसुन छील के रख लिया है, और अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। तो कल आया था मेरे घर पे ग्रोसरी का सामान, तो रात हो गया था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था कि मॉर्निंग में रखूँगी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको भी रख देती हूँ, तो बाकी का सामान मैंने रख दिया है। और जो ये सर्फ है ना, ये मैं मंगवाती हूँ दो तरह का, एक वॉशिंग मशीन के लिए और एक ऐसे ही घड़ी वाला, थोड़ा सस्ता सा। और उसके बाद मैं इसको अलग अलग डब्बे में रख लेती हूँ दोनों। और यहाँ पर भैया ना दोनों अच्छा वाला ही ले आए थे, तो फिर मैंने क्या किया ना, इसको एक ही डब्बे में भर दिया है। और उसके बाद और फिर मैं इसको रख दूँगी, और क्योंकि दाल थी ना, दाल को मैं ऐसे ही रख दिया है, उसको मैं धूप में डाल के फिर डब्बे में भर दूँगी। और जीरा था, तो जीरा भी मैं धुलूँगी, और उसके बाद उसको डिब्बे में रखूँगी। तो किचन का काफ़ी सामान ख़त्म हो गया था, तो जो मंगवाना था तो सारा सामान आ गया है। और केचप मंगवाना था, क्योंकि टिफ़िन बनाती हूँ ना, तो अगर कभी कभार महीने में एक बार अगर मैक्रोनी देती हूँ, तो फिर बिना केचप के अच्छा नहीं लगता, या पराठा है, कुछ भी है, तो उसको भी मंगवाना था। बट वो सीसी बॉटल वाला नहीं मिला था, पाउच वाला मिला था, तो उसको ना फिर से मंगवाना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद ना मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है, मैं मॉर्निंग में उठ के सब्जी उब्जी कट करके ना फिर पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, और दोबारा फिर से लगाना ही पड़ता है पोछा, क्योंकि आज संडे है, आज किसी को जाना नहीं है, तो आज झाड़ू लगाने के बाद तुरंत मैं पोछा लगा दूँगी, तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे डेली के दिन जब सब लोग जाते हैं ना, तो फिर बनता नहीं है, तो बस जल्दी से झाड़ू लगा के फिर नहा वहा के किचन में आना पड़ता है। तो फिर दोबारा से मुझे दोपहर में मैं जब 9-10 बजे दाल चावल बनाती हूँ, तब फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा के फिर से पोछा मारती हूँ, उसके बाद मतलब तब जाके दोबारा से मतलब मुझे सब करना पड़ता है इसी वजह से। तो आज लेट था सब कुछ, और मैं जल्दी भी उठ गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं सारे काम फिनिश कर ही लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे दोपहर से डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, तो आज मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाना है, वो बताएंगे क्या मुझे प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं जल्दी से उठ कर सारे काम फटाफट किए थे, और मैं नहा कर आ गई हूँ। तो फिर मुझे जो खाली पेट वाली दवा लेनी थी ना, फिर मैंने सोचा चलो मैं आज ले लेती हूँ, आज लास्ट दिन भी था, और अब तो दूसरी दवा देंगे अपने मतलब रिपोर्ट देखने के बाद अपने हिसाब से मैम दवा देंगी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने दवा खा ली है, अब मैं किचन में आ गई। किचन में मुझे बनाना है चौरैया का साग और रोटी चाय। दलिया इस टाइम बनती नहीं है, क्योंकि जो घर का दूध था वो अब है नहीं, ख़त्म हो गया है, तो फिर पैकेट वाला दूध आता है, उसकी दलिया बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, तो फिर इस टाइम दलिया नहीं बनती। उसके बाद मैं आ गई डायरेक्ट डॉक्टर के यहाँ, तो मैं घर से निकली थी लगभग वही 12 बजे मैं घर से निकली थी। तो फ्रेंड्स, मैं ना आ गई हूँ दिखा के, इसने सारी दवा दी थी, बहुत सारी दवा यार रख देती हूँ।
शाम से स्टार्ट करूंगी ये सारी दवा, अभी ना मन नहीं कर रहा है, बस मैं थोड़ा रेस्ट करना चाह रही हूँ। अल्ट्रासाउंड ये प्रॉब्लम है मुझे इसमें, और दूसरी में दिखा रही हूँ। ये सारा रेड से दिखाना है, सारी कमियां है मेरे अंदर, ज्यादा कमी है। पूरा करने के लिए इंजेक्शन लगेगा, सिरप है, दवा है, सिस्ट की भी है, और पालक मैंने लाए हैं, पालक लाई है, और क्या लाया है मैंने, चौरैया लाया है, मतलब हरी सब्जी लाया है। डॉक्टर ने बोला जितना ही हरी सब्जी खाओ उतना ही तुम्हारे लिए ठीक है। ये आंखें देखें, सिर्फ चेहरा पीला पीला सा है। तो डॉक्टर ने बोला है ना कि हीमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम है और सिस्ट भी है, तो उसकी दवा दी है, चल रही है। देखो अगर भगवान की मर्जी होगी तो शायद कंसीव हो जाएगा, वरना तो नहीं। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।